भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। 1847 ईस्वी से यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी जिलाधिकारी सुब्रत सैन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक ने जिलावासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण दहन को मनाया जाता है और लोगों को भी बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। वहीं इस अवसर पर काफी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए थे। अभी यहाँ सीटीएस के कैंपस में रावण का पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम हुआ है। काफ़ी संख्या में भीड़ है और सब लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम का और मेले का आनंद लोग ले रहे हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, रैफ को भी यहाँ पर लगाया गया है और समस्त जिला वासियों को मैं दशहरा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि पूरी शांति के साथ और संयम के साथ त्यौहार को मनाएँ, आनंद लें। अभी प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम कल से शुरू होगा, कुछ हाल शहर में हुआ भी है, कल से ज़्यादा संख्या में होना है। इसके लिए सुरक्षा की पूरी तैयारियां की गई हैं और बाहर से भी पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है, बीएसएफ की टुकड़ियां लगी हुई हैं। जिला के भी तमाम पदाधिकारी, फोर्स, मजिस्ट्रेट, कैमरा, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। देखिए, 2 साल जो है रावण वध का कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया था नाथनगर में। सीटीएस का जो मैदान है, यहाँ पारंपरिक तौर पर विगत कई सालों से जो है ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, तो कोरोना के बाद 2 साल की अवधि बीतने के बाद जो है ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आप देख भी रहे हैं, लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं, सब लोग उत्साहित हैं और एक तरह से अच्छाई की जीत है बुराई के प्रति। तो हम लोगों को बिल्कुल जो अपने अंदर जितनी तरह की बुराई है उससे दूर रहने का बिल्कुल भरसक प्रयास करना चाहिए। सभी को मैं दशहरा विजयादशमी की शुभकामनाएँ देता हूँ। शहर में, पूरे ज़िले में शांति व्यवस्था का माहौल बरकरार रहे, सब लोग उल्लास के वातावरण में पर्व को सेलिब्रेट करें, यही हम लोगों की उम्मीद है और यही हम लोगों का जो है हम लोगों की आकांक्षा है। आज सीटीएस के मैदान में जो यहाँ ऐतिहासिक रहता है रावण वध कार्यक्रम में, जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, एसडीओ साहब, तमाम लोग, आज पूरे इस सीटीएस मैदान का एक इतिहास रहा है। लाखों की भीड़ में आज रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का आज वध हुआ, जो हमारा इस नाथनगर में ऐतिहासिक रहता है और पूजा समिति और रामलीला कमेटी के द्वारा होती है। और हमारा रावण वध पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ और पूरे नाथनगर की जनता के बीच ये भव्य आयोजन किया गया। भागलपुर में नवरात्रि को लेकर तेतरी और भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ मंदिर और पूजा पंडालों में देखी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया स्थित तेतरी दुर्गा मंदिर में भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर मां दुर्गी की पूजा कर रहे हैं, मां दुर्गे से आशीर्वाद ले रहे हैं और अपने परिवार के सुख शांति की कामना कर रहे हैं। तेतरी दुर्गा मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। बताया जाता है कि 423 वर्ष पूर्व 1600 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। तेतरी दुर्गा मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से कुछ मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। लग रहा है हमें, ये आस्था का प्रतीक है। ये दुर्गा पूजा पूरे बिहार में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो हम लोग बहुत खुश हैं कि इस साल इतने अच्छे तरीके से पूजा हो रही है। हाँ, दुर्गा से सबके लिए सुख समृद्धि और आपस में प्यार से रहे, यही मांग रहे हैं। माँ दुर्गे में यही है कि 2 साल कोरोना रहा लेकिन उस बीच भी सब सही सलामत है, फिर से वही सुख समृद्धि वापस लौट के आई है, तो इसे माँ की शक्ति ही कहा जाएगा।
भागलपुर के दुर्गाबाड़ी में विजयादशमी पर आज मां दुर्गे की विदाई से पहले बांग्ला समाज की महिलाओं व शहर की महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाकर विदाई दी, साथ ही आपस में सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला मनाया। कोरोना के दो साल बाद इस वर्ष भव्य रूप से इसका आयोजन किया गया। मौके पर सिंदूर खेला की रस्म अदायगी में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खूब सिंदूर खेला का आनंद लिया। हालांकि यह खेल थोड़ी देर के लिए बड़ा ही भावुक पल था, साथ ही मां दुर्गा की विदाई के साथ महिलाओं की आंखें नम थी। कहते हैं कि मां दुर्गा को सिंदूर लगाने का बड़ा महत्व है। सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा मायके से विदा हो गई। महिलाओं ने नम आंखों से कहा, फिर अगले बरस जल्दी आना मां। हम लोग बंगाली हैं और हम लोग के यहाँ दुर्गाबाड़ी में बंगाली रीति रिवाज के साथ माँ की पूजा होती है और माँ को हम लोग यही कहते हैं कि माँ सबको अच्छा रखें। माँ मैंने क्या कहते हैं, अगले साल फिर तुम जल्दी ही आना, माँ से यही विनती है। और हम लोग जितने भी सधवा नारी हैं वो पहले सुबह में दही चूड़ा आज भोग लगा, माँ को नम आंखों से विदाई देने के लिए सब एकत्रित रहे लाइन से मंदिर के अंदर, उसके बाद माँ को बाहर लाया गया। और ये सिंदूर इसीलिए खेला जाता है कि माँ सभी सबको सधवा नारी इसी तरह रखना, यही हम लोग के बंगाली का यही रीति है। शारदीय नवरात्र के विजयादशमी को दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में स्थापित कलश को पूरे विधि विधान और नियम निष्ठा के साथ गंगा नदी, तालाब और नदियों में विसर्जन कर दिया गया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अनहार स्थित मनोकामना दुर्गा मंदिर और काली स्थान में स्थापित कलश को पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना किए जाने के बाद स्थानीय बड़वा नदी में विसर्जित कर दिया गया। इस दौरान पूरा विसर्जन पथ मां दुर्गा के जयकारों से गूंजता रहा। विसर्जन शोभा यात्रा में सदानंद सिंह, कपिल सिंह, दिनेश सिंह, रमेश सिंह, अरुण सिंह, नंदन सिंह, नरेश सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मैं सुशांत कुमार, युवा सरपंच, ग्राम कचहरी ढोलबज्जा, गंगा और कोसी नदी के गर्भ में अवस्थित ढोलबज्जा ग्राम कचहरी क्षेत्र के समस्त देवमयी जनता जनार्दन को दशहरा, दीपावली, काली पूजा एवं लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तथा मेरी एक अपील है सभी देवमयी जनता जनार्दन से, ये त्यौहार ईश्वर की भक्ति आस्था का त्यौहार है, आप लोग इस त्यौहार को शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था के साथ मनाएं, यह मेरी शुभकामना आप सबों के साथ है। मैं मृत्युंजय राय, पंचायत समिति कदवा दियारा उत्तरी क्षेत्र से, अपने क्षेत्र की जनता को दशहरा, दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं आशा करता हूं कि इस पर्व को शांति एवं सौहार्द के माहौल में मनाएं।